हेलो गाइस, नमस्कार। और मैं आशीष कुमार और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशीष 93 पे। और आज हम बात करेंगे आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसके ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। गांधी जी की तरह इन्होंने भी साबित कर दिखाया कि बिना अस्त्र शस्त्र के भी लड़ाई को जीता जाता है। और जिस तरह गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का लड़ाई लड़ा, वैसे ही हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के लिए लड़े, क्योंकि अमेरिका के उस धरती पर एक ही जगह रहने वाले अमेरिकन्स लोग, जहां काले लोगों को गुनाहगार समझा जाता था और काले लोगों को बंदी बना लिया जाता था, गोरे लोग काले लोगों को पकड़ के जेल में रख लेते थे, कभी शिकर लगा देते थे, ये सारे दुख तकलीफ को देखते हुए जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी बड़े हुए तो इनको लगा कि ये गलत हो रहा है। और एक दिन ये अलाबामा स्टेट से होकर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो गोरे और काले के बीच में कोई रंग भेदभाव नहीं है, फिर मेरे जॉर्जिया में क्यों, टेनिशे में क्यों। तो इन्होंने एक सपना देखा और जिसका नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा पाऊँ। और बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बड़े ही इंजॉय से पढ़िए आप। ठीक है, और PDF लेने के लिए सिंपली टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु हुआ था 1968 में। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1964 में इनके अच्छे कार्य के प्रति, क्योंकि उन्होंने है ना गोरे काले के रंग भेदभाव को दूर करा। देखिए, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू एन हिज स्पीच, मतलब ऑथर क्या अपने स्पीच से अचीव करना चाहते हैं। देखिए, द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक हिज पीपुल मोर विलिंग टू फाइट अगेंस्ट द रेकल है ना डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, मतलब ऑथर जो है अपने लोगों को और भी ताकतवर बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कोरे के खिलाफ हम लोग लड़ सकें और अपना अधिकार ले सकें। क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ये थी वाइट्स एंड ब्लैक्स का, मीन्स वाइट्स लोग जो थे ब्लैक लोगों को बंदी बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे। अब एक ही धरती पर हम लोग रह रहे हैं, हम और हमारा भी सिटीजनशिप और आपका भी है, और हमें क्यों गुलाम बनाया जा सकता है। तो इसके लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी लड़े। कहता ही इज राइजिंग पब्लिक कंसियसनेस, उन्होंने लोगों की मानसिकता को बढ़ाया। दो नंबर, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्रेट ऑरेटर, यस आई डेफिनेटली थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ ग्रेट ऑरेटर, हाँ मैं सोचता हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी एक ग्रेट ऑरेटर है, एनी स्पीकर हु कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द है ना लिसनर्स इज गुड, मतलब वह व्यक्ति जो कोई भी सुनने वाले पे अपना प्रभाव डाले वो एक अच्छा ऑरेटर होता है। देखिए, मैंने इसमें से वही क्वेश्चन सेलेक्ट करा है जो आपके बोर्ड में आए, ठीक है, मैंने फालतू के क्वेश्चंस को सिलेक्ट नहीं कराया। सो प्लीज़ आप ये मत करना कि सर ये नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल ये क्वेश्चंस मैं जो बता रहा हूँ आप एकदम श्योर हो जाइए कि यहाँ से दो क्वेश्चंस रहना ही रहना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और ये 3, ये दोनों में से एक तो एक आना ही आना है। वाट इज देयर प्लेस, उनका क्या शपथ है। देखिए, दे प्लेस दैट दे विल कंटिन्यू देयर स्ट्रगल टिल एंड ऑफ रेकल डिस्क्रिमिनेशन, वे लोग अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक उनको जातीय रंग भेदभाव से मुक्ति ना मिल जाए, है ना। दे वॉन्ट टू लिव विथ जस्टिस डिग्निटी विथ द वाइट्स, मतलब वे लोग न्याय के साथ गोरे लोगों के साथ रहना चाहते थे, ठीक है। अगला है 4 नंबर, वाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस ऑथर टॉक अबाउट, मतलब किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते। बोल रहे द ऑथर इज ट्राइंग टू है ना ट्राई टॉकिंग अबाउट हार्डशिप ऑफ हिज है ना फिलो नेग्रो ब्रदर्स। देखिए, नेग्रो काले लोगों को नेग्रो कहा जाता है, अमेरिका के जो लोग हैं काले लोग उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेग्रो। उनके बारे में बातचीत करते हैं। कहते हैं, मैनी ऑफ हिज सपोर्टर्स
हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ एंजल्स। मतलब देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तो उनके बहुत सारे सपोर्टर्स थे जो जेल भी चले गए डिजनेस सेंटर। सो द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज है ना सेंटीमेंट्स टुवर्ड्स देयर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस, और इसी कारण अपनी भावनाओं को लोगों के सामने वो रखते हैं। पांच नंबर कहते हैं व्हाट इज द होप, क्या आशा थे। देखिए, द ऑथर हैज यूज्ड वर्ड होप टू एक्सप्रेस फेथ ब्यूटीफुली, है ना, मतलब कि विश्वास को यहाँ पे एक्सपोर्ट है ना एक्सप्रेस करें, बता रहे हैं। एंड ही हैज टू द पीपल टू है ना होप टू टर्न द नेशंस इनटू ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ है ना ब्रदरहुड। और देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये सपना भी था, यहाँ के जितने सारे लोग हैं सब के सब एक भाईचारा की तरह रहें। ही हैज है ना ही हैज द ग्रेटेस्ट पीपल सॉरी ग्रेटेस्ट होप डैट दे विल बी फ्री वन डे, उनके पास बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग एक न एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना, रियलाइजिंग द ट्रू सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड फेडरलिटी। मतलब उनको ये विश्वास था कि एक न एक दिन हम लोग को न्याय मिल जाएगा, हम लोग का जो है आधार वो मिल जाए। छः नंबर कहता है इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट टू बिकम, मतलब अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो क्या इसे करना पड़ेगा, क्या ट्रू होना पड़ेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इफ अमेरिका हैज़ टू बिकम ए ग्रेट नेशन, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, इट्स गवर्नमेंट शुड नॉट अंडर है ना अंडर एस्टिमेट द नेग्रो एंड देयर प्रॉब्लम्स, अगर अमेरिका को ग्रेट नेशन बनना है तो नेग्रो को अंडर एस्टिमेट मतलब उसे कमज़ोर ना समझें, क्योंकि उससे उससे भी अपनी समस्या का एक व्यक्ति समझे, क्योंकि देखिए वहाँ के तो नेग्रो लोग भी थे ना, अगर वो मदद नहीं करें तो फिर क्या होगा। अमेरिका मस्ट वैल्यू द राइटियसनेस गिविंग एंड एंड टू रेकल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अमेरिका को अवश्य ही जातीय रंग भेदभाव को ख़त्म कर देना चाहिए, तभी अमेरिका एक ग्रेट राष्ट्र बन पाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई एंड व्हेन दे है ना व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक द एलामिटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेग्रो विल थैंक द एलामिटी एंड आफ्टर द गेटिंग राइटनेस एंड जस्टिस इन देयर ओन कंट्री, और उन्होंने तब कहा, देखिए जब आप भी कुछ काम करते हो सफल इतने कहते हैं भगवान आपका शुक्र गुजार हूँ, तो उन्होंने कहा थैंक गॉड एलामिटी, जब इनको पता चल गया कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। व्हेन दे स्टार्ट लिविंग विथ डिग्निटी एंड फ्रीडम, तब से वो लोग गौरव और आज़ादी मैं रहना शुरू कर लिया। थैंक यू।